हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिंकी श्रीवास्तव फ्रॉम मौन कला। आज मैं आपके लिए होममेड चॉकलेट की रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने अपने लाइव सेशन में आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि मैं आप लोगों को चॉकलेट मेकिंग सिखाऊंगी। तो कल मेरे बेटे का बर्थडे भी था, तो इसलिए मैंने उस उपलक्ष्य में चॉकलेट बनाई थी। तो सोचा आप लोगों को भी इसकी रेसिपी शेयर करूँ, ताकि आप लोग भी, अब वैसे भी दीपावली वगैरह आ रहा है त्यौहार, तो गिफ्टिंग के लिए चॉकलेट बेस्ट ऑप्शन है। इस चॉकलेट को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मोड कंपनी का वाइट कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड है। बस इन्हीं दोनों से हम बहुत ही सिंपल और सरल चॉकलेट बना पाएंगे और बहुत ही प्यारे टेस्ट। इतना अच्छा टेस्ट होता है इस चॉकलेट का कि सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मेरे घर में तो जो मेरी क्लासेस होती हैं, उसमें भी जब मैं अगर बच्चों को ये चॉकलेट बनाकर खिलाती हूँ, तो वो लोग बाज़ार की चॉकलेट के मुकाबले मेरी हाथ की बनी हुई चॉकलेट को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसको बनाना है भी इतना आसान कि आप भी दो मिनटों में अपने घर में चॉकलेट बना सकते हैं। वैसे तो और भी कंपनी के चॉकलेट्स आते हैं, इनको चॉकलेट कंपाउंड कहते हैं, या और भी कंपनी के आते हैं, लेकिन आप इनकी जगह मोड वाले जो ब्रांड की चॉकलेट्स होती हैं, वो मुझे फ्लेवर पर्सनली उसका बहुत पसंद है। आप अपनी पसंद के अनुसार इसको कम ज़्यादा करके इसमें क्वांटिटी मिक्स कर सकते हैं और इसको बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसके लिए कुछ नहीं, सिंपल इस चॉकलेट को आप जब करेंगे, तो ये मैंने मिल्क कंपाउंड लिया है। तो इस मिल्क कंपाउंड को आप इस तरीके से चाकू से थोड़ा सा काट भी सकते हैं और इसको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। और अगर ये दोनों तरीके से नहीं भी करना चाहेंगे, ये देखिए, आपको इसे कद्दूकस से इस तरीके से ग्रेट कर लेना है। अगर आप ग्रेट नहीं भी करना चाहें, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा अपने चॉकलेट के ब्रिक में से काट कर उसको थोड़ा थोड़ा सा अलग बाउल में निकाल लें। जितनी भी क्वांटिटी आपको लेनी है, आप इक्वल क्वांटिटी भी ले सकते हैं और 1:2 का रेशियो भी ले सकते हैं। यहाँ मैं इक्वल क्वांटिटी के फ्लेवर वाला बना रही हूँ। इस समय आपको जैसा फ्लेवर पसंद है, आप एक बार बनाएंगे, उसके बाद आपको जैसा अच्छा लगे, थोड़ा सा डार्क फ्लेवर पसंद है तो आप मिल्क कंपाउंड को थोड़ा सा ज़्यादा मिलाएंगे। यहाँ पे मिल्क कंपाउंड जो है वो ब्राउन बना है ना। अब हमने इसको मेल्ट करने के लिए माइक्रोवेव में रख दिया। सिर्फ हम इसे 30-30 सेकंड का करके माइक्रोवेव करेंगे। और आप एक बार में 30 सेकंड करिए या उसके बाद निकाल के चेक करिए, फिर दोबारा से 30 सेकंड के लिए रख दीजिए। इस तरीके से मैक्सिमम 1.5 मिनट में आपकी चॉकलेट तैयार हो जाएगी माइक्रोवेव में, है ना। और अगर आपको इसे डबल बॉयलर में करना है, यानी कि आपको, आपके पास माइक्रोवेव नहीं है, आप उसे गैस पे करना चाहते हैं, तो आपको एक पतीले में पानी रखना है। उसमें डबल बॉयलर की टेक्निक ये होती है कि आपको एक पतीले में पानी रखना है, कोई भी भगोनी ले सकते हैं, उसमें पानी रखिए। उसके ऊपर एक कटोरा रखिए, वो कटोरा पानी से छुला हुआ नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप क्या करिए कि कटोरे में नीचे कुछ बेस ऐसा उठा के रखिए कि वो पानी से ना छुले। वो टेक्निक मैं आपको किसी और वीडियो में पूरा प्रॉपर करके दिखा दूँगी। आज हम लोग माइक्रोवेव वाले में कर रहे हैं, तो आप माइक्रोवेव की टेक्निक समझ लीजिए, वो भी बहुत आसान है। आप कढ़ाई में भी पानी भर के उसके ऊपर दूसरा बाउल रख सकते हैं, लेकिन बस बाउल को कोशिश करिएगा कि उस पानी से ना छुले जो पानी हम नीचे डालेंगे, है ना। वरना टेम्परेचर चॉकलेट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, आपकी चॉकलेट जलने का रहेगा और जलने के कारण उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा और बहुत हार्ड हो जाएगी। तो इसीलिए डबल बॉयलर टेक्निक थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान रखनी होती है। माइक्रोवेव क्विक एंड फास्ट एंड ईजी टेक्निक है, तो इसलिए मैं आज आपको यहाँ पर माइक्रोवेव में करके दिखाऊँ। अभी हमने देखिए इसमें मिल्क कंपाउंड को निकाल कर देखा था वाइट, तो उसको मिल्क कंपाउंड जो होता है वाइट कंपाउंड के मुकाबले में जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो उसको हमने पहले निकाल के रख दिया। वाइट कंपाउंड को दोबारा से उसमें डालेंगे हम। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये मेरा वाइट कंपाउंड है, ये अभी भी सॉलिड दिख रहा है आपको, है ना, ये काफ़ी सॉलिड है, ये पूरा मेल्ट नहीं हुआ है। तो इसको हमें दोबारा से माइक्रोवेव करना होगा
आप किसी भी स्पून की हेल्प से उसे करके देख सकते हैं। और ये हमारा ब्राउन फूड है। ब्राउन वाला कौन सा था? ये हमारा मिल्क कंपाउंड है, वो हमारा वाइट कंपाउंड था। ठीक है, तो ब्राउन वाले को मिल्क कंपाउंड कहते हैं। तो ये देखिए आप, ये काफ़ी अच्छा सा मेल्ट हो गया है, तो इसको हम पूरा नहीं मेल्ट होने देंगे, उससे पहले ही निकालेंगे। आप देख रहे हैं थोड़ा सा लम्स इसमें है, तो उसको हम स्पून की सहायता से इस तरीके से मैश करके क्रीमी टेक्सचर के रूप में ले आएंगे। मिल्क कंपाउंड वाइट कंपाउंड के अलावा डार्क कंपाउंड भी आता है। डार्क कंपाउंड, जिन लोगों को डार्क फ्लेवर की चॉकलेट्स पसंद है, यानी कि बहुत तीखी टाइप की चॉकलेट्स पसंद है, तीखी मीन्स मिर्ची वाला तीखा नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा कॉफ़ी टाइप के फ्लेवर या फिर डार्क फ्लेवर चॉकलेट, एकदम डार्क चॉकलेट पसंद है, उसमें मिक्स करना अच्छा है। लेकिन मोस्टली बच्चों को और सबको ये वाला फ्लेवर हर किसी को खिलाएंगे आप, बहुत पसंद आएगा, वो उसके भी शौकीन कोई कम नहीं है। बहुत सारे लोग उस तरीके का फ्लेवर भी पसंद करते हैं, लेकिन आज मैं आपको उस तरीके की चॉकलेट बता रही हूँ जो आप किसी को भी खिलाएंगे वो ही खाना पसंद करेगा। एक बार खाएगा तो बार बार खाता रह जाएगा। अब आप देखिए, मैंने दोनों को निकाल कर मेरा जो मिल्क कंपाउंड है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है मेल्ट होने में वाइट कंपाउंड के मुकाबले, तो दोनों को मेल्ट कर लिया। और ये दोनों को अच्छे से हम चम्मच की ही सहायता से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मोल्ड्स हैं, देखिए तीन तरीके के मोल्ड होते हैं, ये वाला वाइट और हमारा जो चॉकलेट मोल्ड आते हैं, चॉकलेट मोल्ड के नाम से भी आप ले सकते हैं, सिलिकन मोल्ड भी ले सकते हैं, आप प्लास्टिक के मोल्ड्स भी ले सकते हैं, इवन आप आइस ट्रे में भी अपनी इसको जमा सकते हैं अगर आपके पास डिज़ाइनर मोल्ड नहीं है तो, बहुत ईजिली आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया। आप देखिए वाइट कंपाउंड और मिल्क कंपाउंड दोनों को एक ही बाउल में कर लेंगे, क्योंकि हमें मिक्स करना है इसे। अगर आपको यही चॉकलेट मार्बल वाली चॉकलेट बनानी है तो इसको आपको थोड़ा सा मिक्स करना है, तो आपकी वो मार्बल चॉकलेट, मार्बल लुक वाली चॉकलेट आ जाएगी, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वो लेयर्स में आपको दिखाना है तो आप ऐसे ही उसको डाल सकते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर मैं पूरा मिक्स कर दूँगी। अगर आपको मार्बल वाला फ्लेवर चाहिए तो या लुक चाहिए तो आप पूरा नहीं मिक्स करेंगे। अभी मैं इसको बिल्कुल पूरा मिक्स कर रही हूँ और बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, फेंट देंगे। आप विस्कर की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रहे हैं तो सिंपल हम स्पून की सहायता से इसे मिक्स कर रहे हैं। पूरा मिक्स हो जाने के बाद हम इन्हें, मैं आपको तीनों तरीके के मोल्ड में डालकर और इनको डीमोल्ड करके दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि किस किस में कैसी दिक्कत आती है। अब आप देखिए, मैं सबसे पहले यहाँ पर प्लास्टिक वाले मोल्ड में डाल रही हूँ। ये मोल्ड बहुत ही सस्ते आते हैं, ये आपको मोस्ट प्रॉब्ली शायद 50 या 70 रुपीज़ का एक मोल्ड मिलेगा। सिलिकॉन मोल्ड इनके मुकाबले में महंगे आते हैं, वो आपको जस्ट 100, 90 और 120 इस टाइप की रेट में मिलेंगे। इसके अलावा और भी तरीके के सिलिकॉन मोल्ड होते हैं जो और कॉस्टली आते हैं, लेकिन चॉकलेट के लिए ये साइज़ का भी डिपेंड करता है कि आप कैसा साइज़ ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं होनी चाहिए, है ना, उतनी होनी चाहिए कि एक बार खाने में आपको बहुत अच्छा सा फील हो और एक बार में ही आप संतुष्ट भी हो जाए, है ना। तो ये वाला मेरा मोल्ड थोड़ा सा फ्लावर वाले, रोज़ के फ्लावर वाले मोल्ड से थोड़ा सा गहरा है। इस टाइप के मोल्ड्स बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेन वगैरह, जहाज़, एरोप्लेन इस टाइप के डिज़ाइन से, यहाँ से लॉयन टाइगर वगैरह के भी डिज़ाइन के मोल्ड्स आते हैं। तो मैं आपको तीनों में करके दिखाऊंगी, तो आप देखिए किस तरीके से भरना है। आपको सिंपल अच्छे से मिक्स करने के बाद हल्के से स्पून की सहायता से इसमें पोर करना है। अब आपकी मर्जी है कि आप उसमें कितना इसे फिल करें, मैं इसे पूरा ही फिल कर रही हूँ। जब हम अपने घर के लिए बना रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं, तो हम अपने हिसाब से उसे पूरा फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चॉकलेट की मार्केटिंग करने के लिए बनाएंगे तो आपको इसकी प्राइसिंग भी देखनी होगी, तब आप इनको अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा, जैसा भी आप प्राइस रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसे फिल कर सकते हैं। अब आप इसको हल्का सा टैप कर दिए, टैप करने से इसमें जितने भी बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे और आपकी जो चॉकलेट है एकदम स्मूथ फिनिश के संग इवनली हमारी जो है वो जमेगी। अब मैंने तीसरे सिलिकॉन मोल्ड में भी कर दिया। अब जितना भी बाहर पार्ट अगर थोड़ी सी ड्रॉप्स या कुछ छलक जाते हैं
उनको आप साफ कर लीजिए किसी भी स्पून स्पैचुला या किसी की भी मदद से, आप या तो उसके अंदर डाल दीजिए और या फिर आप उसको हटा दीजिए वहाँ से और टिश्यू पेपर से साफ कर दिए, क्योंकि नीटनेस भी अगर आपका ध्यान रखेंगे नीटनेस का भी, तो आपका लुक वाइज आपको खुद अच्छा फील होगा। इसलिए देखिए मैं थोड़ा सा इसको साफ कर दे रही और अब इसे हम फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रख लिए, फ्रीजर में रखने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रिज में बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना, 10-15 मिनट में ही आपकी डिमोल्ड करने लायक हो जाएंगी। अब मैंने सबसे पहले आपको 10 मिनट से भी कम टाइम में, 7 मिनट के आसपास में मैंने जो प्लास्टिक का था उसके चॉकलेट का मोल्ड निकाल दिया। और अब मैं देखिए अगर इसको इस निकालना चाहूँगी तो इसको हमें इस तरीके से, ये सिलिकॉन मोल्ड की तरह फ्लेक्सिबल तो नहीं होते तो इसलिए हमें टैप करके निकालना होता है। और अभी क्योंकि मैंने बाकी मोल्ड के कंपैरिजन में इनको थोड़ा सा जल्दी निकाल लिया है, तो आप देखेंगे कि ये जो चॉकलेट है वैसे तो अच्छी है लेकिन थोड़ी सी चॉकलेट हमारी मोल्ड में चिपक गई है, चिपकी रह गई है, यानी कि हमारा प्रॉपर डिमोल्ड नहीं हुआ है। लेकिन ये मैंने उससे ज़्यादा मुश्किल से 5 मिनट और ज़्यादा रखा है, तो अब आप देखिएगा ये मैं निकाल रही हूँ कितना ईजिली ये निकल आ रहा है। बहुत ही प्यारे शेप्स के हैं ये चॉकलेट्स और इनकी थिकनेस भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल क्रीमी स्मूथ और मुंह में घुल जाने वाली चॉकलेट है। बिल्कुल आप इसको खाकर देखेंगे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंगली इसका प्रोपोर्शन 1:1 का या 1:2 का रख सकते हैं। आप 2 भाग वाइट कंपाउंड और 1 भाग मिल्क कंपाउंड भी ले सकते हैं, या आप 2 भाग मिल्क कंपाउंड और 1 भाग वाइट कंपाउंड भी ले सकते हैं, है ना। दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपके फ्लेवर में थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन ये वाली कंपनी के जो बेस होते हैं चॉकलेट बेस, ये बहुत ही मतलब स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। बच्चों के सामने अगर ये प्लेट आप इस तरीके से बना कर रख देंगे, एक तो इतनी खूबसूरत डिज़ाइन के हैं ये, इंजन की शेप का, शिप की शेप का भी मैंने किया फ्लावर, आप जिसको गिफ्ट कर रहे हैं या जिसके लिए बना रहे हैं आप उसके पसंद के हिसाब से मोल्ड में उसको डालकर गिफ्ट कर सकते हैं। इन्हीं चॉकलेट्स को आप गिफ्ट रैपिंग पेपर या चॉकलेट रैपिंग पेपर में भी पैक कर सकते हैं। गिफ्ट रैपिंग पेपर में, चॉकलेट रैपिंग पेपर में रैप करने के बाद करिएगा, आप इसे प्यारी प्यारी बास्केट में सजाकर दीपावली पर गिफ्टिंग के लिए भी सेल कर सकते हैं। और देखिए आप किस कोई गेस्ट है उसको भी इस तरीके से सर्व करके दे सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।